कुंभलगढ़ राणा पुंजा भील की मूर्ति जो टूटी उसके क्रम में दो बातें कहना चाह रहा हूँ। साथियों, ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लंबा नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट ही लूंगा। हम लोग कुंभलगढ़ के जहाँ हमारे जननायक राणा पुंजा भील की मूर्ति तोड़ी गई थी वहाँ पहुँचे थे और प्रशासन और वहाँ के जनप्रतिनिधि मिल के उस मूर्ति को लगाने का प्रयास किया था और मूर्ति बनकर तैयार हो गई और आज लग चुकी है और कल अनावरण होने वाला है। अब बात यहाँ कहाँ एक दूसरा ट्विस्ट आ गया है कि राणा पुंजा भील जो हमारे जननायक हैं उनके आगे ही भगवा लहरा दिया है और जो पहले नहीं था। अभी वहाँ के युवाओं में आक्रोश है और पूरे इलाके में आक्रोश पनप रहा है कि आपको भगवा लगाना है ये तो बाहर लगाइए, पुंजा जी के आगे काहे को लगा रहे हो आप लोग। हमें भगवा से एतराज नहीं है लेकिन भगवा जहाँ लगता है वहाँ लगाइए, राणा पुंजा भील के आगे मत लगाइए। हमें मजबूरन होकर कल पूरे भील प्रदेश के सदस्यों को आना पड़े ऐसा न हो, इसलिए मेरा राजसमंद के प्रशासन से राजसमंद के नेताओं से आग्रह है कि भगवा झंडा जहां मंदिर है वहां लगाइए, पुंजा भील के आगे मत लगाइए। अगर पुंजा भील के आगे भगवा झंडा लगा रहा तो निश्चित रूप से आक्रोश बढ़ेगा और हम भी कुंभलगढ़ की ओर कुछ कर सकते हैं। आज रात में करें, सवेरे करें, कभी भी करें, क्योंकि हमें आह्वान आ गया है वहां से कि हमारे काम को तो गति मिली है लेकिन एक ट्विस्ट आ चुका है, इस ट्विस्ट को खत्म करना है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि आप लोग जो पहले यथावत था वही रखें, कोई नया लॉजिक मत डालें, नहीं तो जो सिचुएशन बिगड़ेगी उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की रहेगी। और इसी आधार पे हम लोग लाइव आके बता रहे हैं। कुंभलगढ़ के साथियों का आग्रह था कि आप लोग मैसेज डालिए, मैं मैसेज नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ। हम लोग डूंगरपुर से कुंभलगढ़ आ सकते हैं केलवाड़ा, तो हम कल सवेरे भी आ सकते हैं, रात भर में भी निकल सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, अगर लगाना ही है तो आप बाहर लगाइए, पुंजा भील के आगे मत लगाइए। पुंजा भील का जो स्थान बनाया है उसके आगे मत लगाइए क्योंकि उससे पूरे आदिवासी समुदाय को ऐतराज है। और आप किसी भी संगठन से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो चीज़ जहाँ पहनाई जाती है, जहाँ लगाई जाती है वहाँ उचित लगती है। नथनी है वो महिला की अच्छी लगती है तो फिर वो नथनी पुरुष के कहाँ को लगाई जाती है, कहाँ पहनाते हो। ठीक उसी प्रकार से भगवान किसी मंदिर के आगे, हिंदू धर्म के जो स्थान है उसके आगे ठीक लगता है, महापुरुष का आगे हमारा आदिवासियों का झंडा अलग है जिसमें चांद सूरज और तारे का होता है जो व्हाइट और लाल कलर या ग्रीन कलर में हो सकता है। इसलिए मेरा साथियों से आग्रह है कि आप शांति बनाए रखें और नहीं माने तो फिर हम लोग भी वहां आने के लिए तैयार हैं। इसलिए जिला प्रशासन तत्काल एक्शन लेके इस झंडे को हटा देवे क्योंकि नहीं था पहले होता था, हमें दिक्कत नहीं थी। अब ये हमारा पर संस्कृतिकरण करना कहाँ तक ऊंची थी, इसलिए मुझे मजबूरन आके आगे कहना पड़ रहा है कि भगवा झंडा जो लगाया है वो जिला प्रशासन और जिसने लगाया है वो सारे हटा ले। और ये मुझे लग रहा है कि भगवा झंडा लगाने वाले और कौन से खेत का गांजा पी के आ गए। पुंजा भील का जो स्टेचू था हमारे महानायक का वो बंदरों ने तोड़ा, वो भी नशा करके आए थे, और ये जो भगवा कलर लगा के गए झंडा वो कहाँ से आ गए, ये कौन से खेत की गांजड़ी पी के आ गए। यहाँ पे ये जो पगड़ी वाले हैं, हमारे पगड़ी वाले जिनकी उम्र हो गई है 50 साल 60 साल, ऐसे 5 बुजुर्गों को बिठाओ, आप संगठन के लोग बैठो, पार्टी वाले लोग बैठो और जो लोग बाहर से आए वो बैठो, प्रशासन बैठे, लिखित दस्तावेज होना चाहिए, इतने दिन के अंदर हम महाराणा पुंजा की मूर्ति लगा देंगे, ये होना चाहिए। मौखिक बात हो गई, वहाँ बात हो गई, घर चले गए, यहाँ कोई लगाने वाला नहीं है, जितना भी है वो भी तोड़ दिया जाएगा। और दूसरा हम लोग ये कहना चाह रहे हैं आपको कुंभलगढ़ के इलाके के लोगों को कि ऐसा कौन सा बंदर है
उसकी कौन सी जाति है, वो कौन सा गांजा पी के आया था। इसलिए जिला प्रशासन से हमारा सीधा और स्पष्ट निवेदन है कि आप लोग आज रात भर में उसको हटा देवे, अन्यथा पूरा बिल प्रदेश कुंभलगढ़ की ओर कूच करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी। जय बिल प्रदेश।